ममा जस्ट सरप्राइज्ड अस विद द न्यू सेल्टोस। ममा ने आपके लिए न्यू ईयर गिफ्ट बुक करवाया सेल्टोस। मेरे से कराना मत, मेरे से करा दो ना, मैं बता। हेलो, हाँ जी, शिवी से बात करना। शिवी बात कर लो। नहीं करनी। ये क्या है? चोट लगवा के मजा नहीं आया? अभी चोटी लगी थी ना। चलो अंदर, चलो सुबह नो मस्ती। क्या करते है शिवी? शिवांश, जब सुबह हुई है तेरी हाल देख अपना। बाहर आ जा तू। पता नहीं बाहर भागे गए हैं। मेरा पार्सल आ गया। क्या आ गया आपका? आपका पार्सल फर्स्ट क्राई से आया है। भागे तो ऐसे क्या, मैंने कहा पता नहीं क्या मंगवाया इन्होंने। शिवांश के शूज मंगाए थे, आपको नहीं बताया था मैंने। अच्छा देखिए, देखो अब साइज आता है कि नहीं आता। दिखा तो दो पहले शूज। मम्मी मैंने सेम शूज कार्ट में डाले थे, सेम शूज। मैं अभी दिखा दूंगी आपको ऐप। अच्छा सेम शूज मम्मी, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत स्टाइल। ओए ओए देख, दादी ने शूज मंगाए हैं, बहुत स्टाइल। मैंने सेम शूज देखे थे और कार्ट में डाले थे। मैं दिखा दूंगी आपको, मैं साइज आ जाए बस। आ जाना मेरे को लगता है। स्मार्टी शूज इतने क्लासी लग रहे हैं ना, इसको शूज कांट टेल यू। और संजित को इतने पसंद आए हैं। मम्मा नेवर फेल्स टू सरप्राइज अस। मम्मी मैंने कार्ट में सेम शूज डाले थे यार, हमारी चॉइस इतनी मिलती है। फिर आपने मंगाए क्यों नहीं? मैंने कहा महंगी है, छड़ पे रुक के मंगाऊंगी। मैं कहा चल फंक्शन है, मैं देखा संडे तक आ जाने से आगे भी हो। देखो तो सी कितना हैप्पी है। चलो आप शूज उतार दो, गंदे मत करो उसको। शिव मैं कितनी बार बेटे डालूं आपको सॉक्स और शूज, बस रह मम्मा, उसके बाद देख लो। इन चीजों में तो बिल्कुल संचित पे गया। इतनी गर्मी फील करता है, हर चीज में पहनता ही नहीं है कुछ। गुस्सा आ रहा है मम्मा को अब। कोई फर्क नहीं है, खेल लो, चलो खेल लो। ब्रेकफास्ट में प्रॉन की भिंडी। खाना खाने को दिया, सारी रोटी फेंकी है, कुछ नहीं खाया। चल नेल्स कटवा। अब इसके नेल्स काटूं, 10 दिन हो गया मुझे। संचित और मम्मा रोज बोल रहे हैं इसके नेल्स काटो। मेरे से ही कटवाता है, रोज भूल जाती है। और इतने गंदे किए हुए इसने अपने नेल्स। दिखा। छी ब्लैक किए हुए हैं नेल्स अपने, गुड्डू। जस्ट ब्रेकफास्ट करके हटी हूँ मैं और इधर लंच की तैयारी हो रही है। अजीब ही कुछ सब्जी बन रही है, गाजर, आलू, वड़ी, प्याज, शिमला मिर्च, फलियां। मम्मा ये कौन सी सब्जी है? ये इसको मिक्स ना कहना। कौन से की ये मिक्स सब्जी है? ये कैसी की मिक्स वेज है? इसमें वो भी डाल लेती हूँ। क्या गोभी नहीं तो डाली क्यों नहीं गोभी? अच्छा डाल लेते हो। नहीं मैंने पर ये बड़ी क्यों डाली है? बहुत स्वाद लग रही है, मैं नहीं खाऊंगी। चलो जी अब ये शिमला मिर्च डाली नहीं है, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया। शिमला मिर्च लगा, शिमला मिर्च भी है। काली काले चने बनने तो अपना काले चने खाओ बने हुए। टाइम हो रहा है शाम के 4:30 और जस्ट नहाया मैंने, इसलिए आज रेडी भी नहीं हुई। मैंने स्वेटशर्ट ही पहन ली है और रोशनी हमारी कर रही है कटिंग, चॉपिंग ये करेगी। तो फिर उसके बाद मैं डिनर प्रिपेयर कर लूंगी। आज तो शिवांश ने कुछ खास व्लॉग भी नहीं करने दिया मुझे, टिक ही नहीं रहा था। इधर उधर मस्ती अपनी फुल ऑन चालू थी इसकी। और रात को भी फंक्शन में इसने इतनी धूम मचाई है, पहले इतना इंजॉय करा था और लेटर ऑन इतना ज्यादा इरिटेट हो गया कि मुझे अभी घर लेके चलो। और घर आते फिर से नॉर्मल। इसका पता नहीं क्या है, ये टीथिंग कब इसकी खत्म होनी है और कब इसके मूड स्विंग्स थोड़े नॉर्मल होंगे। आज माइयों का फंक्शन था बट ये सुबह टिक्का नहीं खास, तो फिर मैं गई नहीं। पहले मेरा प्लान था कि ऑफिस जाएंगे और देन वहां से हम ऐसे कर लेंगे, ये मुझे ड्रॉप कर देंगे वहां से एंड देन मैं किसी के साथ वापस आ जाऊंगी। पर ये टिका ही नहीं, तो सुबह जाना ही क्या था। फिर ये लेट हो रहे थे तो ये चले गए। तो आज माइयों का फंक्शन था, कल सैंत का है मॉर्निंग में। लेट्स सी, कल संडे है, कल तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मॉर्निंग में निकलना। बाकी देखो कैसा रहता है। और रात को शादी का फंक्शन है। किसी दिन फोन के बिना भी वॉक पे चले जाएगा, चले जाऊंगी। तो जाओ फिर। हाँ, फोन आना किस दिन, मैंने बहुत खास बंदे कौन 36 प्लम्बर ने आना यार। प्लम्बर ने क्यों आना? वो टैप वगैरह ठीक करवानी है, मिलते हो मेरा फोन। कोई बात नहीं, आएगा तो मैं अटेंड कर लूंगी यार। 4:41 हुए हैं, 4:51 पे आप घर होने चाहिए। अच्छा यस, पापा ने मुझे कहा है कि तू मम्मा का मैनेज किया कर टाइम वॉक का ना। मैंने कहा मैंने ये ड्यूटी ले लिया, मैं आप पे मैनेज कर लूंगी। आज के लिए मैंने आपको 10 मिनट्स अलॉट किए हैं। लंच में है आज ब्लैक चने, राइस। सैटरडे ऑफ कोर्स तो ब्लैक चने बनेंगे। मम्मा जस्ट सरप्राइज्ड अस विद द न्यू सेल्टोस। क्या है ये? वैसे आपका जो खुराफाती दिमाग है ना, रोज कुछ ना कुछ। वो दूसरी देखनी थी गाड़ी। कौन सी देखनी है आपने गाड़ी? सोनेट। तो मम्मा ये चला के देखो ना, तब तक आपको कैसा एक्सपीरियंस आता है। मैं नहीं चलानी सेल्टोस, मैंने थोड़ा सेमी कॉन्फिडेंट। हम ऑन द ड्राइव सीट। अरंजीत लाल बैठ जाओ, मैडम ट्राई करो। चला लो मम्मी, कुछ नहीं होगा। मॉमी बिट नर्वस, फिर मैंने थोड़ा सा पंप अप किया, देखो चलाते हैं कि नहीं कार को। वाओ मॉम्जी नॉट बैड, शी कैन ड्राइव नाउ एनी कार। डर डर के चला रहे हैं बट मैं कब से पंप दे रही हूँ कि चलाओ चलाओ, एटलीस्ट मुझे नहीं आती है, आपको तो आती है, आप तो चलाओ ना, पर इतने डरपोक है चला ही नहीं रहे थे। और हम आराम से चला रहे हैं, थोड़ी स्लो चला रहे हैं बट चला रहे हैं। अच्छा ब्रेवो, ऐसे डर रहे थे कि मेरे से चलेगी नहीं, मेरे से चलेगी नहीं, अच्छी वाली चला रहे हैं। मैं कब से वेट कर रही हूँ मम्मा का, आराम से अपना चलाने लगे हूँ, अभी तक नहीं आए। पहले कह रहे थे मैं चलाऊंगी नहीं, कार बहुत बड़ी है, मेरे को डर लग रही है, ये कौन सी सोनेट है, कहते हैं मेरे से नहीं चलनी। और अब वापस आने का नाम नहीं। कब से गए हुए हैं और मैं बाहर वेट कर रही हूँ, इतना अंधेरा हो गया, अकेली मुझे खड़ा किया हुआ, मैम ने अपना घूम फिर रहे हैं सेल्टोस पे। तो ये हेक्टर भी आराम से चला सकते हैं, पर फिर पता क्या कहेंगे, नहीं वो तो उनकी कार थी ना इसलिए मैंने चला ली, अपनी कार में थोड़ी बंदा चलाएगा, ये बोलेंगे आगे। एंड देयर शी इज, एक सेकंड में मोड़ निकाल के गए और फिर डर डर के स्लो 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 चला रहे हैं। कमाल है पर इनके कॉन्फिडेंस की ना, फिर कहते हैं मैं बुड्ढी हो गई है। गुड मॉर्निंग, दादी ने बाहर शेल्टोस मंगाई हुई है आपके लिए, चला के देख लिया आपने? आजो आजो, क्या क्या गुस्से, आजो आजो, भाग के भाग के भाग के भाग के। मम्मा ने आपके लिए न्यू ईयर गिफ्ट बुक करवाया सेल्टोस। चला के आए, इतना जबरदस्त, इतना डर रहे थे पर आराम से चला के आए हैं। पहले मम्मा ने ड्राइव लेके देखी है, अब संची लेके देख रहे हैं, मेरी रह गई है, मुझे आएगी तो चलाऊंगी। हाँ जी, उनका बहुत डार्क हो गया ना, लाइट्स ऑन कर लो, सीट बेल्ट पहन लो पहले। आप टेंशन, अरे बीप बीप करेगी कार। अच्छा पीछे लगी हुई है, ये वाला कौन सा मॉडल है, टॉप एंड है? हां जी जी सर, डेमो वाली टॉप है, पर इसका इंटीरियर बहुत प्रिटी है ना? अच्छा हां जी हां जी, आपकी ब्रांड नहीं है, मैडम से गया था उसने लगा लेती हूं बाबा। कहते हैं ना जो औरों को ज्ञान देते हैं उनको ही ज्ञान की जरूरत होती है, ये इनकी हमेशा की दिक्कत है। ऑटो लाइट्स, ऑटो लाइट्स क्या होता है? तो ऑन तो ही नहीं थी, आपने की है। मैंने बटन ऑफ किया हुआ था, मैंने वो फ्रंट लाइट जो होती है ना, वो सब लाइटिंग है, वो जगती रहती है वो दिनों यार, आती है नहीं नहीं नहीं, इसमें लाइट्स भी ऑटो ही है, ये ऑटोमेटिक है, जैसे उसमें हेक्टर में है। टेस्ट तो इधर ही होती है, पर फील तो नहीं हो रहा आपको जो हाल है सड़क का? हाँ, पता ही नहीं लग रहा कि इतनी ज्यादा फ्लिमजी रोड पे चल रही है, बहुत स्टेबल फील हो रहा है। थोड़ी हार्डर साइड जैसे हेक्टर, हाँ स्टिफनेस है ना, हाँ फील नहीं हो रहा। हाँ, बहुत कोई गंदा लेफ्ट का फर्क है ना, तो चौड़ाई में हेक्टर से तो छोटी है ये कार, हेक्टर से तो छोटी है। हाईवे पे चलानी है, चला लो, इधर से मोड़नी है, आगे से मोड़ लेना, चला लो। बट ना मुझे एक चीज में बस लैग लगा कि थोड़ी सी कंजस्टेड है कार, छोटी है ना। आई एम नॉट कंपेयरिंग विद हेक्टर, आई एम कंपेयरिंग विद WRV, और मुझे सिमिलर लग रही है, मतलब वो स्पेस में ना सिमिलर है ना, पर देख, हाँ यही कहने लगी थी, देखने में उससे बड़ी लग रही है मेरे को WRV से, पर वैसे बहुत ना एक वो क्या कहते हैं लग्जूरियस फील आती है, जैसे हमें हेक्टर में आती है ना, फील बहुत अच्छी है। एनकैप रेटिंग मेरे को नहीं पता क्या होता है, इसकी अच्छी नहीं है एनकैप रेटिंग। मुझे ना ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगी कार की, मतलब एकदम से आपका अट्रैक्शन ज्यादा है। अब हेक्टर का एंजॉय कर लिया, अब इसका ये डिफरेंट लग रहा है, कल मुझे ये इतना पसंद नहीं आता। हेक्टर का भी अच्छा लगता है कि बड़ा है, पर ये भी ये थोड़ा क्लासी लुक दे रहा है। स्क्रीन साइज सेम है दोनों का? नहीं नहीं, वो थोड़ा ब्रॉड है। नहीं नहीं, दिस वे नहीं, ऐसे ऐसे है बस, यही नहीं नहीं, ये इतना थोड़ी होगा, सेम साइज है। ये भी सर 10.1 इंच ही है शायद, वो भी 10.7। पर बताओ, फिर सोनेट छोड़ के ये तो नहीं लेनी आपने सेल्टोस? दोनों देखिए प्राइस का कितना फर्क है दोनों कार्स में। ओके और सोनेट का 1450 ये तो मैनुअल है ना, मैनुअल टॉप है ना ये? मैनुअल है। अच्छा, और सोनेट का मैनुअल टॉप डीजल में, सोनेट और इसका। मम्मा बहुत डर रहे थे, मम्मा ने बहुत कंफर्टेबली चलाई है, चाहे स्लो चलाई है, नो डाउट उनको थोड़ा भी मन में डर है, पर बहुत सही चलाई। होंडा सिटी में भी यही बात थी, वो भी इतनी लंबी थी, बट तब सही में पोलो देके हमें होंडा सिटी रख लेनी चाहिए थी। चलो हो गई गलती। पर रीजन क्या है, सब में सेम दे रहे हैं, इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता क्या ये जो सभी में यही सेम? उन्होंने उठा के ऊपर कर दिया, ऊपर हो गया अलग से लगता है। मेन कंपनी का ये होता है कि अगर कोई भी कस्टमर को बाहर से जो भी चीज़ है सर्विस वगैरह में देते हैं उसी अकॉर्डिंग वो अभी वो खुद ही उनको मतलब पहले से ऐड ऑन का भी ये हमने आज तक अपनी किसी गाड़ी में बाहर से सीट का तकलीफ पड़वाया, कुछ भी नहीं किया, इनफैक्ट शोरूम से भी नहीं कुछ करवा है। अदरवाइज कोई बात नहीं, बल्कि जो वायरिंग कटिंग है मेरी, आप मान लो हमने कभी शोरूम से भी कोई एक्सेसरी नहीं लगवाई, ओरिजिनल रखते हैं। आग लगती होगी आपने, वो तो मुझे पता है, वायरिंग टच कर लेते हैं, स्टीयरिंग तो हो जाता है, ये सीट ऊपर नीचे जो फ्रंट है वो तो सीट उसकी भी हो जाती है, इसका फ्रंट पार्ट भी होगा। हेक्टर या नहीं होता शायद, यह मैंने कभी किया नहीं। अच्छा बेस कह रहे हो आप, नीचे की होता है ऊपर से आपने किया नहीं होगा। नहीं पूरी सीट तो ऊंची हो जाती है, ये पार्ट भी हो जाता है हाँ, ऊपर नीचे तो हो जाता है बट ये पार्ट नहीं होता, इसका ये पार्ट भी मूव करता है, फ्रंट नहीं मूव करता उसका। ये शायद 6 वे एडजस्टमेंट और 8 वे एडजस्टमेंट ऐसा कुछ फर्क होता है। ये बोस वाली है जिसमें बोस का सिस्टम, उसमें ये तो एफएम था ना, इंटरनेट पे थोड़ी है नहीं, म्यूजिक का इंटरनेट इनसाइड नहीं है इसमें। वाओ न्यू कार, अपनी नहीं है तेरे पता चल गया अपनी नहीं है। गुस्सा गुस्सा आ जाओ बाहर, चलो गुस्सा नहीं करना। दोनों बाप बेटे लगे हुए आईपैड पे, टाइम हो रहा है 11:40 और ये सारा मैसेज ने क्रिएट किया है और बस इसको साफ करूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो कि आपको इस ब्लॉग का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं हर ब्लॉग में मैंशन जरूर करती हूँ पर आप लोग शेयर नहीं कर रहे, तो डू शेयर ऑन फेसबुक, इंस्टा और अपनी किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर। सो थैंक यू।